लेकिन अब हम जिस माता मंदिर में आपको दर्शन के लिए लेकर चलने वाले हैं, वहां की परंपरा कुछ अलग ही है। मां के इस दरबार में प्रसाद नहीं बल्कि 5 पत्थर अर्पित किए जाते हैं। तो ये आपको सुनकर थोड़ा सा हैरान लग रहा होगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, पत्थर कैसे चढ़ेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन सा वो मंदिर है और आखिर यहाँ पर पत्थर माता को अर्पित क्यों किए जाते हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा के अनेक नाम, माता रानी के अनेक धाम, हर धाम में माँ अपने अनोखे रूप में विराजी है। हर धाम में माँ करती है भक्तों का कल्याण। एक ऐसा ही कल्याणकारी धाम है बिलासपुर के खमतराई का वन देवी मंदिर। माँ के दर्शन को आने वाले सभी भक्त यहाँ प्रसाद नहीं माँ को अर्पण करते हैं 5 पत्थर। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ माँ को 5 पत्थर के जोड़े अर्पण करने से वो बेहद प्रसन्न होती हैं और अपने दर पर आए हर भक्त की सारी मनोकामना पूरी करती हैं। पहले ये पूरा जंगल था, जंगल झाड़ी से पार होते हुए कोई भी व्यक्ति जाता था तो यहाँ फूल फल ना चढ़ा के 5 पत्थर चढ़ाते थे। तो उससे जनता और जागरूक हुआ, क्यों 5 पत्थर चढ़ाते हैं। तो उस समय फल फूल कुछ नहीं था, 5 पत्थर ही अर्पित करते थे। उस समय से आज तक 5 पत्थर ही चढ़ते आ रहा है वन देवी के नाम से। दोनों तरफ का ये जंगल गांव जैसे खमतराई है, बिलासपुर का ये बीच है, वहाँ कुछ नहीं, छोटा सा मंदिर था। वन देवी में 5 पत्थर चढ़ा के आने जाने वाले लोग मन्नत मांगते थे कि हे माँ वन देवी, हमको कोई प्रकार का विघ्न बाधा न आए। और ये माँ 5 पत्थर चढ़ाने से मनोकामना पूरा कर देता है। माँ वन देवी माता बगदाई माता, जितने श्रद्धालु आते हैं पूरे मनोकामना पूरा कर देते हैं, श्रद्धा से आते हैं फूल माला लेके और 5 पत्थर चढ़ा के मनोकामना मांगते हैं। कथाओं के मुताबिक माँ का स्वरूप स्वयंभू है। सदियों पहले माँ घने जंगलों के बीच प्रकट हुई और बिलासपुर शहर के सेठ को सपने में आकर अपने जंगल में होने की जानकारी देते हुए 5 पत्थर अर्पित करने का आदेश दिया। सेठ ने आदेश अनुसार ही माँ को 5 कंकर अर्पित कर मंदिर की स्थापना की। तब से लेकर अब तक ये परंपरा लगातार चली आ रही है। मंदिर परिसर में माता बगदाई के साथ माँ दुर्गा, शनिदेव, द्वादश ज्योतिर्लिंग, पंचमुखी हनुमान, मनसा देवी और साथ ही भगवान श्री राम का दरबार भी सजा है। लोगों का मानना है कि जंगल में बरगद के पेड़ों की अधिकता होने की वजह से माँ को बगदाई नाम से पुकारा जाता है। अब जब से माता जी को अर्जी विनती कर रहे तब से 5 पत्थर चघाया तो आपका मनोकाम जो चघा रहे भक्त उनका मनोकाम पूरा होते जा रहा है। हाँ, अब जैसे कहीं से आ गया इस दर्शन करने के लिए तो देखता है 5 पत्थर कहाँ चघाया थी, यहाँ पर माता के सामने चघाए हैं तो मैं भी ले कर चघा देता हूँ। उसी प्रकार के साथ माता के चरणों में 5 पत्थर चघाए तो बहुत आनंद खुशी उसका सुख शांति कृपा प्रदान हो जाए। वैसे तो हर दिन माँ के दर पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ के दर पर भक्तों का मेला लग जाता है। साल दर साल माँ के दर पर भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। माँ के दर पर अपनी इच्छा को लेकर आया भक्त 5 कंकर अर्पित करता है और उसकी हर इच्छा माँ पूरी कर देती है और वो भक्त जयकारा लगाता है, जय माँ बगदाई वन देवी की जय। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।